हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कभी आपके साथ ऐसा होता है कि किसी ने आपको मैसेज किया है, चाहे गलती से मैसेज कर दिया है, लेकिन उसने वो मैसेज कर दिया डिलीट। अब आपके अंदर ऐसी चुल मच जाती है यार, पता नहीं क्या मैसेज किया होगा, चाहे वो गलती से ही मैसेज आ गया है, बट वो मैसेज हमें पढ़ना है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता देना, क्योंकि मेरे साथ जरूर होता है ऐसा। और अब उस डिलीटेड मैसेज को हम कैसे पढ़ सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सिंपल से तरीके से बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है बिना स्किप किए, करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो पसंद आए वीडियो को यस लाइक जरूर कर देना। तो आप व्हाट्सएप पे कैसे डिलीटेड मैसेज को पढ़ सकते हो, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। ये रहे मेरे दोनों मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है ये वाला, ओके, एंड ये मेरी मॉम का मोबाइल है। मैं अब इस नंबर से आपको इस पे मैसेज भेज के दिखाऊंगा एंड इस पे रीड करके दिखाऊंगा। पहले तो अगर आपने अपनी अगर व्हाट्सएप को अपडेट नहीं किया है तो व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्हाट्सएप का नया अपडेट आया था उसमें ही अनेबल हो पाया। ओके, तो यहाँ से मैं मैसेज कर लेता हूँ पहले। ओके, यहाँ से मैं कोई भी, मैं अभी करके देख रहा था तो मैंने मैसेज डिलीट भी करके देखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से मैं कोई मैसेज कर लेता हूँ, कोई भी मैसेज लिख लेता हूँ। ओके, लाइक दिस सेंड, एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ऊपर नोटिफिकेशन आ गया है। ओके, एंड अब मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ डिलीट, डिलीट कर देता हूँ इसे। ओके, ये मैंने अपने आप से डिलीट कर लिया, आई एम सॉरी। मैं दोबारा से कर लेता हूँ, कोई भी मैसेज डिलीट करके वहाँ पे मैसेज आ जाएगा थोड़ी देर में, आप देख सकते हो। ओके, तो वहाँ पे मैसेज आ चुका है, आप देख सकते हो वहाँ पे मैसेज आ गया है। ओके, अब मैं यहाँ से इसे एवरीवन डिलीट करूँगा। ओके, यहाँ से कर लेते हैं डिलीट फ्रॉम एवरीवन, डन, मैसेज डिलीट हो गया। एंड यहाँ से भी वो मैसेज हो गया होगा डिलीट, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से वो मैसेज डिलीट हो गया है। ओके, अब क्या करना है, मैसेज तो डिलीट हो गया है यहाँ पे, मैं उसे पढ़ भी नहीं सकता। मैं व्हाट्सएप में भी आपको दिखा देता हूँ, व्हाट्सएप में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। पहले मैसेज था जो मैंने एवरीवन की नहीं कर पाया था, मैंने खुद से कर लिया था, ये मैसेज हो गया है यहाँ से डिलीट। ओके, अब आपको इस फ़ोन में यानी कि अपने एंड्रॉयड में एक सेटिंग करनी है, वो सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है ताकि आप डिलीटेड मैसेज को पढ़ सको। कोई एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करनी है आपको, सिंपली से कर दो मिनिमाइज। यहाँ से जाओ सेटिंग्स में, सेटिंग्स में चले जाते हैं हम, एंड सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का, आपको नोटिफिकेशन पे जाना है। एंड नोटिफिकेशन पे आप हल्का सा ड्रैग डाउन करो, यहाँ पे आपको मिलेगा एडवांस सेटिंग का एक ऑप्शन। ओके, यहाँ पे आप एडवांस सेटिंग पे कर दो टैप। जैसे आप एडवांस सेटिंग पे टैप करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे आप चले जाओ। अब इसको करना है आपको सिंपली ऑन, ऑन कर दिया, अब बैक चले जाओ। ओके, बैक चले गए, ये नोटिफिकेशन हिस्ट्री में सारी एप्लीकेशंस आपको इनबिल्ट मिल जाएंगे वहाँ पे ऑलरेडी, आपको अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ओके, इसको कर दो यहाँ से मिनिमाइज़। ओके, मिनिमाइज़ कर दिया मैंने, मैं व्हाट्सएप से वापस से व्हाट्सएप पे आ जाता हूँ। सी, मैं दूसरे फ़ोन से आपको मैसेज करके दिखाता हूँ, इस पे वापस कोई भी मैसेज कर लेता हूँ, कोई भी सेंड, एंड ये मैंने कर दी है डिले, वहाँ पे मैसेज आ गए हैं आप देख सकते हो। ओके, एंड मैंने मिनिमाइज़ किया हुआ अपना फ़ोन, ठीक है, एंड यहाँ पे मैसेज आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अब मैं इन्हें यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब रीड करना है, अब देखना वहाँ पे रीड मिल जाएगा आपको, डिलीट फ्रॉम, डिलीट फॉर एवरीवन, डिलीट हो गया है। एंड यहाँ पे ऊपर डिलीट ही दिखेगा आपको व्हाट्सएप में, ये डिलीटेड मैसेज ही दिखेंगे। अगर मैं व्हाट्सएप भी खोल के दिखाऊँ, टाइम आप देख सकते हो, टाइम भी हो गया होगा 25 पे। ओके, मैं इसे खोलूँ तो यहाँ डिलीटेड आएंगे, बट अब आपको क्या करना है, यहाँ से करो मिनिमाइज, आप वापस से जाओ सेम प्रोसेस सेटिंग्स में, एंड सेटिंग्स में आपको जाना है नोटिफिकेशन में, एंड नोटिफिकेशन में क्योंकि हमने हिस्ट्री को ऑन किया था नोटिफिकेशन की, तो आपको एडवांस सेटिंग्स पे जाना है, एंड यहाँ पे जाना है नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे, एंड यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। मैंने यहाँ पे लेकिन डिलीट दिखेंगे, लेकिन जैसे आप लास्ट 24 आवर्स के देखोगे नोटिफिकेशन हिस्ट्री, तो ये देखिए पहले मैंने मैसेज किया, फिर मैंने डिलीट कर दिया था, राइट, यही मैसेज था जो मैंने डिलीट किया था, आपको यहाँ पे सारे मैसेज दिख जाएंगे, और यहाँ से मैंने ऑलरेडी उसे डिलीट किया हुआ है, आप देख सकते हो। देखा कितना आसान था, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको अपडेट नहीं मिला है तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपको प्ले स्टोर पर ही मिल जाएंगी, बहुत सारी एप्लीकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो, आप किसी भी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना एंड नोटिफिकेशन को अलाउ कर देना, आपको यहाँ पे भी वो चीज़ें मिल जाएंगी। और आईफोन में भी है ये अपडेट, आप चाहते हो कि आईफोन के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता देना, मैं आईफोन पे भी बता दूंगा। अगर आपको लगा कि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, वीडियो वॉर्थ वॉचिंग थी, तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इंस्टाग्राम स्नैपचैट व्हाट्सएप से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट, कोई भी नया फीचर आता है मैं वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ, कोई भी नई और अच्छी एप्लीकेशन आती है मैं उसे रिव्यू करता हूँ। थैंक यू सो मच।